रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि युद्ध में रूस के पास ईरानी ड्रोन के खत्म होने का दावा किया गया है। युद्ध में रिसर्च का काम कर रही कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम ने दावा किया कि युद्ध में अब रूस ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि रूस के पास ये ड्रोन ईरान से नहीं आ रहे हैं या फिर रूस इसे अपने यहाँ तैयार कर रहा है। कभी कीव में बरपाया कहर, कभी खारकीव में मचाई तबाही, कभी मारियुपोल को बनाया खंडहर, कभी यूक्रेन के पावर प्लांट को किया बर्बाद। एक ऐसा ड्रोन जिसकी मारक क्षमता से यूक्रेन में कोहराम मच गया, पूरा यूक्रेन कांप गया। इस ड्रोन में लैस मिसाइलों की मार से बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी। शहर में आग के गोले उठते दिखे। दावा ये था कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के आगे पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गए, जिन्हें यूक्रेन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन अब रूस की यही ताकत खत्म होने की खबर आ रही है। जंग में रूस को मिला बड़ा झटका। कहर परपाने वाले शाहिद ड्रोन का खात्मा। आत्मघाती ड्रोन के बगैर कैसे होगी जंग? यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रिसर्च का काम कर रही कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम का दावा है कि रूस के पास ईरानी ड्रोन शाहिद 136 खत्म हो गया है। दावा यह है कि रूस की तरफ से शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के विश्लेषकों के अनुसार या तो रूस शाहिद ड्रोन की नई खेप आने का इंतजार कर रहा है या फिर खुद ही इसका उत्पादन करने वाला है। ईरानी ड्रोन के खात्मे का दावा कर रही कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम रूस की एक स्वतंत्र खोजी संगठन है जो युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं की एक ओपन सोर्स जांच करता है। यानी दावे के मुताबिक अगर ईरानी ड्रोन की खेप रूस नहीं पहुंच रही है तो ये रूस की सेना के लिए मुसीबत का सबब है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन के अंदर जो कोहराम मचाया है वैसा रूस के हथियार नहीं मचा पाए हैं। बीते 4 महीनों में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 400 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन तैनात किए थे। दिखने में छोटे मगर बाहुबली हथियार शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन का आक्रमण बेहद खतरनाक होता है। शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है। वहीं क्राइमिया की कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद पलटवार के रूप में रूस ने इसी ड्रोन से कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार की थी। और आज आधे यूक्रेन में जो अंधकार छाया है, बिजली के बगैर लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, उसकी वजह भी यही ईरानी ड्रोन है। शायद 136 ड्रोन से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के कई पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। शायद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन बम बरसाता नहीं है बल्कि खुद एक बम की तरह है जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है।
रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है। और एक बार शायद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले, इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। शायद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। लिहाजा रूस के इस ड्रोन को इस्तेमाल करने पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो भी सख्ते में आ गए हैं। अब दावा यह है कि रूस के पास आत्मघाती ईरानी ड्रोन खत्म हो चुके हैं, लेकिन वही खबर है कि रूस इस ड्रोन का उत्पादन अपने यहाँ कर रहा है। तो ये ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर रूस ने ईरान की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ स्थापित कर ली और शायद 136 ड्रोन का उत्पादन शुरू कर दिया, तो यूक्रेन में और तबाही लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यूक्रेन में रूस के सैनिकों के हमले लगातार जारी हैं। रूस की एयरबोर्न फोर्सेस ने होवित्ज़र से ताजा हमला किया है, जिसमें यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस के सैनिकों ने पहले यूक्रेन के तोपखानों की पहचान की, फिर उसे होवित्ज़र तोप से उड़ा दिया। और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। खबर ये है कि जंग के मैदान में खड़े यूक्रेन को एक बार फिर जो बाइडेन बारूदी तोहफा भेज रहे हैं। पेंटागन ने यह दावा किया कि यूक्रेन को जल्द ही 6 आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जाएंगे, जो यूक्रेन के आसमान का सुरक्षा कवच बनेंगे। इससे पहले भी अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की एयर डिफेंस सिस्टम की मांग को पूरा किया था। महायुद्ध भीषण होने जा रहा है, ये हम नहीं अमेरिका और नेटो देश से लगातार मिल रहे घातक हथियारों की लिस्ट बता रही है, जो कभी यूक्रेन को किंजल का तोड़ देती है, तो कभी कमोव हेलीकॉप्टर को तबाह करने के लिए उतनी ताकत यूक्रेन के बारूद खाने में भरती है। और अब अमेरिका यूक्रेन को आसमानी कवच दे रहा है। नसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम अब पुतिन की मिसाइलों और फाइटर जेट का आसमान में काम तमाम हो जाएगा। अब न कैलिबर जमीन में तबाही मचा पाएगी और न ही सुखोई का दम दिखेगा। विमानों को ये घातक एयर डिफेंस सिस्टम भस्म कर देगा और ड्रोन का डर खत्म कर देगा। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका 6 नसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन भेजेगा, जिसके लिए तकरीबन 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। अपने लेयर्ड मिसाइल लॉन्चर के जरिए वो अमेरिकी बेस के ऊपर मंडराते किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है। अमेरिका का दावा यह भी है कि नसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम की दम पर यूक्रेन के कई शहरों की हिफाजत और बेहतर तरीके से की जा सकती है। नसेम्स मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। नसेम्स की रेंज 30 से 50 किलोमीटर है। नसेम्स का रेडार दुश्मन के टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। यूक्रेन के बारूद खाने को भरने के लिए लगातार ही नेटो देशों से मदद मिल रही है, तो वहीं पुतिन की सेना भी किसी मोर्चे पर कमजोर नहीं दिखना चाहती, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में महायुद्ध भीषण रुख लेगा। ज़ेलेंस्की ने कुछ वक्त पहले नसेम्स की डिमांड की थी, जिसे अमेरिका ने पूरा भी किया, और अब एक बार फिर से वो यूक्रेन को आसमानी सुरक्षा देने जा रहा है, जिससे यूक्रेन के आसमान में मंडरा रही मिसाइलों को तहस नहस किया जा सकता है। नसेम्स से आधुनिक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। नसेम्स मिसाइल सिस्टम से AIM-9 साइड वाइंडर और IRIST जैसी मिसाइलों को दागा जा सकता है। नसेम्स दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, फाइटर जेट, विमान या क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। नसेम्स वो रक्षा कवच है जो दुश्मन की ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स का काम तमाम कर देगा। जंग के मैदान में वो बारूद का बवंडर उठाएगा और दुश्मन की शातिर चाल को फेल कर देगा। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है यूक्रेन में कहर बनकर टूट रही रूस की मिसाइलों का ये तोड़ बनेगा।